देखिए, अगर गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और गुजरात एक नया मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है गुजरात के विधानसभा के सदस्य, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। किसी भी पार्टी जिसका बहुमत है और जो नेशनल पार्टी है, उनके हाईकमान को पूरा अधिकार होता है किसी राज्य में मुख्यमंत्री नया देना या बदलना। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला है, कर्नाटक में बदला है, अब गुजरात की बारी है। तो ये उनका कोई आने वाले चुनाव के लिए तैयारी हो सकती है या और कोई बात हो सकती है, वो तो शिवसेना की जिम्मेदारी या किसी और पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ना। उनके मुख्यमंत्री है, उसने बदल दिए, उसमें क्या है। हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे साहब रहेंगे, जब जनता चाहती है तब तक रहेंगे। ममता बनर्जी रहेंगी, उनको कौन हाथ लगाएगा, या चेन्नई के मिस्टर स्टालिन रहेंगे, विजयन रहेंगे। हम भी हमारे मालिक है, वो उनके मालिक है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना चुनाव लड़ने के, देखिए हम चुनाव तो हमेशा वहां लड़ते हैं, चाहे हमें यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो जरूर वहां की हमारे जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहां 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। गोवा में 20 के ऊपर सीटें हम लड़ सकते हैं, उनकी तैयारियां चल रही है। कोई अलायंस हो सकता है शिवसेना के साथ? किसके साथ? शिवसेना को कोई, गोवा में हो सकता है। गोवा में जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एक प्रयोग हमने किया है, वैसा गोवा में चल रहा है। और भी 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहां हो सकता है। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें क्या है। सर मराठी मध्ये भाग सांगा फक्त, गोवा मध्ये प्रदेश मध्ये कोणाची अलायन्स होऊ शकते का? उत्तर प्रदेश मध्ये काही शेतकरी संघटना आहेत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मधल्या, त्या संघटनांनी सांगितले की आपण निवडणूक लढा, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ, हे सत्य आहे। इतर काही लहान पक्ष आहेत, त्यांना शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा आहे। गोव्यामध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीसारखा एखादा प्रयोग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, त्याला कितपत यश येते मी आता सांगू शकत नाही, पण त्या संदर्भात हालचाली सुरू आहेत। त्या महाविकास आघाडीमध्ये जर शिवसेनेला योग्य स्थान मिळालं तर नक्की शिवसेना त्याच्यामध्ये निवडणुकीत सहभागी होऊ शकेल। सर केंद्रस्थानी उद्धव ठाकरेंचं पुढच्या वर्षी पुढच्या लोकसभा इलेक्शन होणार आहे, त्याच्यासाठी उद्धव ठाकरेंचं नाव समोर येऊ शकतं विरोधी पक्ष? मी हे नेहमीच म्हणतो की उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये राष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे, आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा आपोआप देशाचा नेता होत असतो, एवढंच मी आपल्याला। सर 17 सितंबर को किसान लोग को एक साल पूरा होने वाला है और अकाली दल दिल्ली में फिर से एक बार प्रोटेस्ट करने वाली है 17 सितंबर को। देखिए किसानों का जो विषय है वो दिनों दिन बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। आप हरियाणा में क्या चल रहा है देख रहा है, और किसानों के इस आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिलना जरूरी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।